शादी के मकसद से नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण। पुलिस ने अपहरण हुई लड़की को किया बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपी हुए फरार। ब्रा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं ब्रा टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने कौसा के श्रीलंका की रहने वाली नाबालिग लड़की को किडनैपरों के चंगुल से आज़ाद करा लिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार है। दरअसल कौसा के स्कूल के पास से इस नाबालिग लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप 2 फरवरी 2020 को कर लिया था और 5 फरवरी को परिवार वालों ने इसकी शिकायत मुंब्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड़ के निर्देश पर जांच की जिम्मेदारी एपीआई शाहजी शेलके को दी गई थी। शुरुआती जांच में ही 2 आरोपी पकड़े गए थे। 12 भाई मोहल्ला 40 गांव से इश्तियाक अली और तनवीर शेख से कड़ाई से पूछताछ में इन दोनों ने नाबालिग लड़की के किडनैपिंग का सारा राज उगल दिया था। दरअसल शादी के मकसद से इस लड़की की किडनैपिंग की गई थी। किडनैपिंग में शामिल और भी किडनैपर काफ़ी शातिर थे। बार बार अपना लोकेशन मोबाइल नंबर बदलते रहते थे, जिसकी वजह से ये पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे। एक बात और आपको बता दें कि इस लड़की की किडनैपिंग में कुल 7 आरोपी शामिल थे, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इश्तियाक अली और तनवीर शेख तो पहले से ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। बाकी पुलिस के सामने 5 आरोपी और लड़की को सही सलामत बरामद करना सबसे बड़ा चुनौती थी। आखिरकार पुलिस ने सोशल साइट इंस्टाग्राम का सहारा लिया, जिससे किडनैपर एक दूसरे से संपर्क करते थे। साइबर सेल ने इंस्टाग्राम कंपनी की मदद से यवतमाल जिले में छिपे होने की इनकी जानकारी सामने आई। शाहजी शेलके ने पुलिस की एक टीम यवतमाल के लिए रवाना की और यवतमाल के महागांव तहसील के फुल सानगी गांव पहुंच गई और लड़की को किडनैपरों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम जावेद शेख, आबिद शेख, फरजाना शेख, असलम शेख, इश्तियाक तनवीर शेख है और एक अन्य आरोपी और भी शामिल है। सहायक पुलिस निरीक्षक शाहजी शेलके ने बताया कि 7 आरोपियों में से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। जल्द ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही ये भी जानकारी दी कि आरोपी आबिद शेख से शादी करने के मकसद से इस नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था। सहायक पुलिस निरीक्षक शाहजी शेलके ने इस मामले में क्या जानकारी दी है, सुनी। फरवरी 2020 में मुंब्रा के कौसा इलाके में एक स्कूल है, वहाँ से एक नाबालिग लड़की थी, उसका अपहरण किया गया था। मामले में आगे 7 आरोपी इसमें थे, उसके नाम सामने आए थे। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें से 2 आरोपी को हमने अरेस्ट किया था फरवरी मार्च में। उसके बाद लॉकडाउन चालू हुआ था और आरोपी ने मोबाइल उनका बंद कर दिया था और उनके सिम भी बार बार चेंज कर रहे थे, लोकेशन चेंज कर रहे थे। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में रुकावट आई थी। फिर कैसे जांच आगे बढ़ी, कैसे इन लोगों को और कहां से पकड़ा गया? हमने ये जो आरोपी थे वो इंस्टाग्राम के जरिए उनके दोस्तों को या बाकी लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे थे, तो उसका इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर दिया था और उसके बाद इंस्टाग्राम का डिटेल्स हमने निकाला और उनका लोकेशन हमें ट्रेस हुआ। उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ से ये आरोपी 2 आरोपी और लड़की बरामद की गई है। लड़की उसके माँ बाप को वापस की गई। सर, अगवा करने की वजह क्या थी, किसी तरह की कोई फिरौती वगैरह मांग थी क्या? इसमें फिरौती का मामला नहीं है, लेकिन आरोपियों का मकसद था कि इसका मेन एक्यूज है आबिद शेख, उसको लड़की के साथ शादी करना था, इसलिए उन्होंने अगवा किया था। लड़की बरामद कहाँ से हुई, पूछे जाना? ये लड़की यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से, एक महागांव तहसील है, वहाँ का एक फुल सावंगी गाँव है, वहाँ से बरामद की गई। जो आरोपी, उसमें कितने आरोपी पकड़े गए, क्या उन लोगों का पिछला रिकॉर्ड वो कुछ है? अभी तक इस केस में 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं और 3 आरोपी अभी भी वांटेड है, जल्दी में हम उनको अरेस्ट करने वाले हैं। जो आरोपी पकड़े गए हैं सर, उनके ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए? इनके ऊपर IPC की धारा 363, 366, 109 और 34 का मुकदमा दर्ज है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। नाम बता सकते हैं? हाँ, इस गुनाह में मुख्य आरोपी है आबिद मजीद शेख,
उसके बाद उसके और रिलेटिव्स हैं, उसका भाई है जावेद शेख, उसका बाप है मजीद शेख, उसकी माँ है फरजाना शेख, उसका जीजा है इश्तियाक अली, और उसका एक दोस्त है तलवीर, और मामा है उसका असलम लाल मोहम्मद मुजावर। सभी आरोपी जलगांव के रहने वाले।